बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर का ख़राब रवैया देखकर हर बीवी के सामने दो रास्ते होते हैं और हर बीवी इन दो रास्तों में से कोई एक रास्ता ज़रूर चुनती है। अगर शोहर बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता, मोबाइल, टेलीविज़न और दोस्तों में मसरूफ़ रहता है, उसे इज्जत प्यार नहीं देता, हर वक्त झगड़े करता है, गालियाँ देता है, माँ बहन की बातों में आकर बेइज्जत करता है, मतलब किसी भी एतबार से बीवी की राहत की बजाय तकलीफ पहुँचाता है, तो इस गलीज इंसान की बीवी दो रास्तों में से एक रास्ता ज़रूर अख्तियार करती है। पहला रास्ता, कुछ बीवियाँ जो ईमान की कमज़ोर होती हैं, वो शोहर के ख़राब रवैये को देखकर गैर मुहरम से रابطہ बना लेती हैं, फिर उसके साथ अपने सुख दुख शेयर करने लगती हैं और वो शख्स भी उसके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी से पेश आता है। हमदर्दी वाला ये ताल्लुक दोस्ती में तब्दील होकर दोनों को कबीरा गुनाहों की तरफ ले जाता है। ऐसी सूरत में शोहर बीवी और उसका हमदर्द तीनों ही सख्त सज़ा के हकदार ठहरेंगे। दूसरा रास्ता, कुछ बीवियाँ ईमान की मज़बूत होती हैं लेकिन हिम्मत की कमज़ोर नहीं होती। अगर इनका शोहर इनके साथ ख़राब रवैया रखता है तो ये बीवियाँ अपनी इज्जत आबरू की हर दम हर पल हिफाजत करती हैं लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट जाती हैं। इनका हंसना रस्मी होता है, इनका बोलना रस्मी होता है, इनकी मुस्कराहटें रस्मी होती हैं, इनका लोगों से मिलना जुलना रस्मी होता है। ये दिन की रोशनी में अंदर ही अंदर घुटती हैं और रात के अंधेरों में खून के आंसू रोती हैं। ये बीवियां जिंदा लाश बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं और बरोज़े महशर इस औरत का शोहर उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ना हो सकेगा जब तक बीवी के एक एक आंसू का हिसाब ना दे दे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।